Hello everyone, welcome. Today we are going to discuss chapter 3, The Wonder That Was India. इसे लिखा है आर्थर लेवलिन बाशम ने. So, let's begin. अब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, भारतीय संस्कृति की सारी स्पेशलिटी, सारी विशेषताएं, जिसके कारण पूरी दुनिया में इसका एक स्पेशल स्थान है, प्लेस है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में. और ये चैप्टर लिखा है आर्थर लेवलिन बाशम ने. इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं. आर्थर लेवलिन बाशम वॉज बोर्न ऑन 24 May 1914 एंड ही डाइड ऑन 27 January 1986. ही वॉज अ नोटेड हिस्टोरियन. वो एक इतिहासकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे, आइडियोलॉजिस्ट थे और ऑथर ऑफ नंबर ऑफ बुक्स. और बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं. एज ए प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, वो प्रोफेसर थे ओरिएंटल और अफ्रीकन स्टडीज लंदन में इन 1950s and 1960s. He taught a number of famous Indian historians, including Professor Ram Charan Sharma, Romila Thapar, and V.S. Pathak. तो ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं ये तीनों. इनको इन्होंने पढ़ाया है, इनके प्रोफेसर रहे हैं आर्थर बाशम. Now, the wonder that was India is a survey of culture of Indian subcontinent before the coming of Muslims. ये एक बुक है जिसे आर्थर जी ने लिखा है और एक सर्वे है, एक भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वे है जिसके बारे में लिखा गया है. मुस्लिम के आने के पहले का इतिहास है. एंड इट इज़ अ बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ये भारतीय इतिहास की पुस्तक है, रिटन बाय आर्थर लेवलिन बाशम एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1954. और इसे पब्लिश कराया गया था 1954 में. और हमारा ये जो प्रेजेंट एसे है इसी बुक का पार्ट है, इसी जो बुक है द वंडर दैट वॉज इंडिया का पार्ट है. हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी. हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बरकरार रखेगी, बनाए रखेगी. हिंदू सभ्यता कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी. द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन एंड उपनिषद मैन ऑफ थॉट. भगवद गीता कर्म करने वाले लोगों को और उपनिषद पर विचार करने वाले लोगों को हमेशा से प्रेरित करती आई है और आगे भी प्रेरित करते रहेगी. भगवद गीता को पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है. इसे दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है और इसके जो कर्म के सिद्धांत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है. नाउ लेट्स मूव ऑन. द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू. भारतीय जीवन शैली का जो चार्म है, जो आकर्षण है, जो ग्रेसियसनेस है, जो वैभव है, उसे हमेशा हमेशा के लिए उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी और आगे भी रहेगी. हाउएवर मच अफेक्टेड इट मे बी द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ वेस्ट. हालांकि जो वेस्ट के बहुत सारे जो समय बचाने वाले डिवाइसेस आ गए हैं, तब भी इनकी वजह से जो भारत के सभ्यता की जो चमक है फीकी नहीं पड़ेगी. पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ महाभारत. जो लोग पहले भी महाभारत के हीरोज के कहानियों को सुनते थे, पसंद करते थे, वो आगे भी करते रहेंगे. एंड रामायण एंड द लव ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पूर्वर्ष एंड उर्वशी. और उसी तरह रामायण के भी हीरोज की कहानियों को भी पसंद करते रहेंगे और शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी को सुनते रहेंगे, उर्वशी और पुरुषा की भी प्रेम कहानी को सुनते रहेंगे. ये जो कुछ पिक्चर्स हैं रामायण के कैरेक्टर्स के, यहाँ पे महाभारत के, इन सभी कैरेक्टर्स को लोग हमेशा याद करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज़ एट ऑल टाइम परवेडेड इंडियन लाइफ वेयर ऑपरेशन डिजीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट विल श्योरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हैक्टिक वेज ऑफ वेस्ट. तो जो भारतीय जीवन शैली का जो आकर्षण है, जो अभी भी बहुत ही सुंदर है, और इसमें क्या है कि ये बहुत ही सौम्य है, खुशी से भरपूर है. हर समय भारतीय जीवन में जो खुशी और सौम्यता व्याप्त है, यहाँ उत्पीड़न, बीमारी और गरीबी ने इसे कहीं ढका नहीं है. ये सब परिस्थितियाँ आई हैं, लेकिन इसने भारतीय संस्कृति की चमक को फीकी नहीं की है. यह निश्चित रूप से पश्चिम के अधिक व्यस्त तरीकों से गायब नहीं होगी.
Much that was useless in ancient Indian cultures has already perished. अब भारतीय सभ्यता में कुछ कुरीतियाँ भी थीं जो कुरीतियाँ बहुत हद तक अब गायब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं. द एक्स्ट्रावेजेंट एंड बारबरस हेक्टा टर्म ऑफ वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस फॉरगेटेन. बहुत कुछ जो भारतीय संस्कृति की जो अनुपयोगी था वह पहले ही नष्ट हो चुका है. वैदिक युग की असाधारण और बर्बल कब्रों को लंबे समय से भुला दिया गया है. हालांकि कुछ संप्रदायों में पशु बलि अभी भी व्याप्त है. सो दो एनिमल सेक्रीफाइसेस कंटिन्यू इन सम सेक्स, अभी भी कहीं कहीं पशु बलि दी जाती है. विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बी बर्नड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर. पहले जो विडोज को क्या होता था, सती प्रथा होती थी भारत में, बहुत बड़ी कुरीति थी, वो अब बहुत हद तक खत्म हो चुकी है. गर्ल्स में नॉट बी बाई लॉ मैरिड इन चाइल्डहुड, और कानून बना दिए गए हैं जिसकी वजह से अब लड़कियों की शादी बचपन में नहीं होती है. बाल विवाह खत्म हो गया है. इन बसेस एंड ट्रेन्स ओवर इंडियन ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद लोअर कास्ट विदाउट कंसियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन एंड टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल लॉस. तो अब क्या है कि जो अस्पृश्यता की जो कुरीति थी भारत में, छुआछूत की थी, जो एक तरह से दूसरे कास्ट के साथ बदले का व्यवहार किया जाता था, ये सारा कुछ खत्म हो गया है और सभी धर्म के लोग और सभी जाति के लोग आपस में प्यार से रहते हैं. और ये सब लॉ बना दिया गया है, रूल बना दिया गया है, इन सभी चीज़ों को, कुरीतियों को खत्म कर दिया गया है. कास्ट इज वैनिशिंग, जो जाति प्रथा थी बहुत हद तक खत्म हो रही है, गायब हो रही है. द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग अगो, और ये जो इसके खत्म होने की जो प्रक्रिया है पहले से प्रारंभ हो चुकी है. बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन ये जो प्रक्रिया है खत्म होने की, इसकी प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी तेजी से बढ़ रही है. एंड द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपीयर्ड विद इन अ जनरेशन और सो. और जो अभी भी कुछ कुछ इसके जो कुरीतियाँ रह गई हैं कास्ट सिस्टम की, जो ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स हैं, जो कि आपत्तिजनक हैं, जो अच्छे नहीं हैं, वो नेगेटिव फीचर्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और कुछ जनरेशन आगे वाली जनरेशन तक ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे. द ओल्ड, ये जो ऐसे है वो एक विदेशी के पर्सपेक्टिव से है, एक फॉरेनर के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है. द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस. ये अभी जो ओल्ड फैमिली सिस्टम था, जो कहना चाहिए एक सिस्टम था जिसमें कि सब लोग एक साथ रहते थे, ये अभी कुछ चेंज हो रहा है, प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहा है. जैसे पहले हम एक कहना चाहिए सब पूरी फैमिली के साथ रहते थे, अब थोड़ा न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ रहा है. इन फैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया अल्टरिंग, अब कह सकते हैं कि पूरे भारत की सूरत ही बदल रही है. बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूस, लेकिन जो इसका कल्चरल ट्रेडिशन है, जो इसकी सांस्कृतिक विरासत है, इसका जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वो अभी भी कंटिन्यू है, पहले से जो चली आ रही हैं अभी भी इसकी चमक बरकरार है और बहुत अच्छे से आगे भी चलेंगी. एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की जो संस्कृति है. द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स कल्चर फ्रॉम इंडिया, और ये जो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, उसकी जो संस्कृति है बहुत हद तक भारत की ही देन है. अर्ली इन फिफ्थ सेंचुरी BC कॉलोनिस्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया सेटल्ड इन सिलोन. अब ये सिलोन जो है, पहले श्रीलंका का नाम था सिलोन, तो ये जो फिफ्थ सेंचुरी BC में बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व जो भारतीय उपनिवेश, जो भारतीय लोग थे, स्पेशली जो 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 कल्चर के, जो भारतीय कल्चर के लोग थे, ये सिलोन में बस गए, जो वेस्टर्न इंडिया से ही आते थे. और विच वॉज फाइनली कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन रीन्स ऑफ अशोका. और ये जो क्षेत्र है, ये जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र है, पूरी तरह से बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया. इन पर बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बौद्ध धर्म का. बाय दिस टाइम अ फ्यू इंडियन मर्चेंट एंड प्रोबेबली फाउंड देयर वे टू मलाया सुमात्रा एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. अब भारतीय व्यापारी मर्चेंट बहुत सारे जो हैं मर्चेंट मलाया में गए, सुमात्रा में गए
और अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में गए और ग्रेजुअली दे एस्टैब्लिश परमानेंट सेटलमेंट्स और वहाँ पूरी तरह से वो बस गए, अपनी बस्तियाँ बसा लिए उन्होंने। ऑफन नो डाउट मैरिंग नेटिव वुमेन और उन्होंने वहाँ के जो नेटिव जो वुमेन थी उनसे शादी भी कर ली, जो वहाँ की जो कहना चाहिए वहीं के रहने वाले निवासी थे उनसे शादी भी कर ली। दे वेर फॉलोड बाई ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। अब इसके साथ साथ पहले ये गए, फिर उनके साथ साथ ब्राह्मण भी गए, बुद्धिस्ट मॉन्क भी, जो बौद्ध भिक्षु भी गए इन कंट्रीज में। एंड इंडियन इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली लिव इन द इंडिजिनियस कल्चर और जो भारतीय लोग वहाँ गए तो भारतीय अपने साथ भारत का कल्चर लेके गए, तो उन्होंने बहुत हद तक वहाँ के कल्चर को, वहाँ के जो देशी कल्चर था स्वदेशी कल्चर को प्रभावित किया और एक वहाँ भी एक मिक्स कल्चर उत्पन्न हुआ जिसमें भारतीय कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्प्रेशंस है, इन्फ्लुएंस है। अनटिल बाई 4th century AD संस्कृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रीजन और 4th century AD के आते आते जो संस्कृत है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया था उस क्षेत्र का। एंड देयर अरोज ग्रेट सिविलाइजेशन और वहाँ बहुत ही महान सभ्यता का उदय हुआ, कैपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग लार्ज मैरिटाइम एम्पायर्स और जो कि बहुत ही क्षमतापूर्ण था, बहुत ही ज़्यादा सक्षम था, जहाँ की मैरिटाइम एम्पायर साम्राज्य उभरे। एंड बिल्डिंग सच वंडरफुल मेमोरियल्स एज देयर ग्रेटनेस एज बुद्धिस्ट तूपा अब बरोबदर इन जावा और इन कंट्री में इतनी सुंदर सभ्यता का जन्म हुआ कि उन्होंने एक से एक मॉन्यूमेंट्स बनाए, बिल्डिंग बनाए वंडरफुल, जो कि बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक और जो मेमोरियल्स हैं, जैसे कि जावा का बरोबदार स्तूप, बुद्धिस्ट स्तूप बना है बरोबदार में जावा में, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही महान है। और दी सैत्व टेम्पल ऑफ अंकोर इन कम्बोडिया और कम्बोडिया का जो अंकोर टेम्पल है, अंकोर में बहुत ही सुंदर सुंदर हिंदू मंदिर हैं, शैव संप्रदाय के जो हिंदू मंदिर हैं, सैविट मीन्स शैव संप्रदाय, वो बहुत ही सुंदर हैं। अदर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम चाइना एंड द इस्लामिक वर्ल्ड वर फेल्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। अब ये जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें बाकी देशों का भी प्रभाव पड़ा है, जैसे कि चाइना हो गया और इस्लामिक वर्ल्ड का, जो मुस्लिम कंट्रीज़ का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बट दी प्राइमरी इम्पेटस टू सिविलाइजेशन केम फ्रॉम इंडिया। लेकिन जो मुख्य रूप प्रभाव पड़ा, जो मुख्य प्राइमरी प्रभाव पड़ा है, इम्पेटस पड़ा है, वो प्रभाव है भारत का और भारतीय संस्कृति का। इंडियन हिस्टोरियंस प्राउड ऑफ देयर कंट्रीज पास्ट ऑफन रिफर टू दिस रीजन एज अ ग्रेटर इंडिया एंड स्पीक्स ऑफ इंडियन कॉलोनीज। अब जो भारतीय इतिहासकार हैं उनको अपने इस संस्कृति पर गर्व है और अपनी संस्कृति को गर्व करते करते वो यहाँ तक कह जाते हैं, इसे ग्रेटर इंडिया कह जाते हैं, इसे बृहत्तर भारत कह जाते हैं, इसे साउथ ईस्ट पूरी एशिया को, और ये कहते हैं कि ये भारतीय कॉलोनी थी, भारतीय उपनिवेश था, ऐसा भारतीय इतिहासकार कहते हैं। इन इट्स यूजुअल मॉडर्न और ये जो ऐसे लिख रहे हैं वो कौन है, वो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, आर्थर लेवलिन बाशम। इन इट्स यूजुअल मॉडर्न सेंस द टर्म कॉलोनी इज हार्डली एक्यूरेट, लेकिन अगर हम इस मॉडर्न सेंस में देखें, अपने आधुनिक सेंस में अगर देखें, तो ये जो कॉलोनी कहना, इसे भारतीय कॉलोनी कहना बिल्कुल सही नहीं है, सटीक नहीं है। However, Vijaya, the legendary Aryan conqueror of Ceylon, is said to have gained the island by sword. But beyond this, we have no real evidence of any permanent Indian conquest outside the bounds of India. अब हुआ ये, वो क्यों कह रहे हैं कि उनको कॉलोनी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो, जैसे कि इंग्लैंड ने, फ्रांस ने अपने कॉलोनी बसाए थे, उपनिवेश बसाए थे, उन्हें मिलिट्री के जोर पे, तलवार के जोर पे बसाए थे, लेकिन भारतीयों ने ऐसा नहीं किया, भारत के लोगों ने कहीं पर भी तलवार के जोर पे कॉलोनी नहीं बसाए, उनके लोगों को परिवर्तित नहीं किया, अपने संस्कृति को थोपा नहीं। लेकिन एक राजा का जिक्र मिलता है जो कि है आर्यन किंग, बहुत ही लेजेंडरी किंग है विजय, जो कि जिन्होंने श्रीलंका को जीता था, सिलोन पहले श्रीलंका का पुराना नाम था, इन्होंने श्रीलंका को जीता था और उन्होंने, कहा जाता है कि इस आइलैंड को उन्होंने तलवार के जोर पे जीता था, मतलब मिलिट्री पावर से जीता था,
और इसके अलावा कोई ऐसे राजा का, कोई इस किसी विजय का जिक्र नहीं मिलता जहां भारत ने किसी को इस तरह से हराया हो और अपनी संस्कृति को थोपा हो इस तरह से। तो भारतीय संस्कृति बहुत ही महान है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं जो राइटर हैं। द इंडियन कॉलोनीज वर पीसफुल वंस, और जो भारतीय कॉलोनी थे भी कहना चाहिए, अगर कॉलोनी कह भी रहे हो तो बहुत ही पीसफुल थे, बहुत ही शांतिपूर्ण थे। एंड द इंडियनाइज्ड किंग्स ऑफ द रीजन वेयर इंडिजीनियस चीफटेन, और जो जो किंग थे, जो वहाँ के राजा थे, जो इंडियनाइज्ड किंग थे, जो भारतीय रंग में रंगे जो राजा थे उस क्षेत्र के, वो एक्चुअल में वो खुद ही स्वदेशी चीफटेन थे, स्वदेशी सरदार थे। हु हैड लर्नड व्हाट इंडिया हैड टू टीच देम, जिन्होंने वही सीखा था जो भारत ने उसे सिखाया था। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से अपने आप में आत्मसात कर लिया था उन सरदारों ने, उन चीफटेन्स ने। नॉर्थवर्ड्स इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस स्प्रेड थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना, और नॉर्थवर्ड में नॉर्थ की तरफ जो जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था, जो कि सांस्कृतिक प्रभाव था, वो फैला था सेंट्रल एशिया, नॉर्थ किसे जाते हुए पूरे सेंट्रल एशिया में भारत का प्रभाव फैला था, स्पेशली चाइना तक। फेंट एंड वीक कॉन्टैक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया वॉज प्रोबेबली मेड इन मौर्यन टाइम्स। अब चाइना और भारत का जो मिलन है, चाइना और इंडिया का जो टच था, उनका जो मिले, वो मौर्यन टाइम्स में मिले थे, उनका थोड़ा संपर्क हुआ था मौर्यन टाइम्स से, मौर्यन एम्पायर के दौरान, इफ़ नॉट बिफोर बट वेन सम 2000 ईयर्स अगो, जो कि लगभग 2000 साल पहले हुआ था मौर्यन एम्पायर के समय, दोनों का संपर्क हुआ था चाइना और भारत का। द हान एम्पायर बिगेन टू ड्राइव इट्स फ्रंटियर्स टुवर्ड द कैस्पियन, डिड इंडिया एंड चाइना रियली मेट। लेकिन जो चाइना का जो हन एम्पायर था, वो हन साम्राज्य, जब हुन साम्राज्य भी बोलते हैं जिसे, जब इसने अपनी जो सीमाएं हैं उसे कैस्पियन सागर तक बढ़ाना शुरू किया, तब एक्चुअल में भारत और इंडिया का संपर्क ज़्यादा बढ़ा। अनलाइक साउथ ईस्ट एशिया, चाइना डिड नॉट असिमिलेट इंडियन आइडियाज इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ हर कल्चर। अब जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया ने किया था, भारतीयता को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, अपने आप में ढाल लिया था, ऐसा चाइना ने नहीं किया। चाइना पे कुछ इन्फ्लुएंस हुआ था भारतीय कल्चर का, लेकिन पूर्ण रूप से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, जैसे कि जाहिर है आपको, आप तो जानते ही हैं। बट द होल ऑफ द फार ईस्ट इज इंडियाज डेप्ट ऑफ बुद्धिज्म, लेकिन ये जो सारा का सारा फार ईस्ट है, सुदूर ईस्ट है, उसमें ये अपने आप में कर्जदार है भारत का बुद्धिज्म के लिए, क्योंकि बुद्धिज्म जो धर्म है वो भारत से ही गया है, और ये पूरे बुद्धिज्म धर्म के रंग में रंगे हुए हैं, और ये देन है भारत की, तो ये भारत के एक तरह से कर्जदार है इसके लिए। विच हेल्प टू मोल्ड द डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, कोरिया, जापान एंड तिब्बत, और जिसने इस जिस बुद्धिज्म ने इस पूरे के पूरे क्षेत्र की सिविलाइजेशन को, सभ्यता को एक नया आकार दिया है, स्पेशली चाइना के, कोरिया के, जापान के, तिब्बत की जो सभ्यता में एक बुद्धिज्म का जो टच है, वो भारत की ही देन है। एज वेल एज हर स्पेशल गिफ्ट टू एशिया, इंडिया हैज कन्फर्ड मेनी प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स ऑन द वर्ल्ड एट लार्ज। अब इसके अलावा भारत ने दुनिया को बहुत सारे उपहार दिए हैं, एशिया को उपहार दिए हैं, जैसे कि इंडिया ने क्या दिया है, प्रैक्टिकल ब्लेसिंग दिया, ऐसे ब्लेसिंग्स, ऐसे वरदान दिए हैं जो कि उनके काम आ सके, प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स जो प्रैक्टिकली वो इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द वर्ल्ड एट लार्ज। नोटेबली राइस, राइस दिया है, चावल दिया है, शुगर केन दिया है, कॉटन दिया है, मेनी स्पाइसेस, मसाले दिए हैं, एंड डोमेस्टिक फाउल, जो मुर्गियाँ वर्गियाँ जो रखते हैं ना, वो देसी मुर्गी, द गेम ऑफ चेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमेरल नोटेशन। और इन सबसे बढ़कर क्या दिया है, डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली दी है न्यूमेरल नोटेशन की, और गेम ऑफ चेस भी दिया है। इस तरह से बहुत सारी प्रैक्टिकल गिफ्ट भारत ने पूरे वर्ल्ड को दिया है। द इन्वेंशंस ऑफ एन अननोन इंडियन मैथमेटिशियंस अर्ली इन द क्रिश्चियन एरा, और ये जो डेसिमल सिस्टम है, इसे किसने आविष्कार किया है इसका पता नहीं है, ये मैथमेटिशियन अननोन है, ये क्रिश्चियन एरा के जो मैथमेटिशियन हैं जो अननोन है, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया को ये गिफ्ट दिया है भारत ने।
the extent of spiritual influence of India on the ancient West is much disputed. अब ये कहना कि भारत ने, भारत की जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है, भारत की जो स्पिरिचुअल मतलब जो आध्यात्म का जो इन्फ्लुएंस है, आध्यात्म का जो प्रभाव है, वो भारत का वेस्ट पर कितना है, जो प्राचीन वेस्ट है, जो पुराना पश्चिम का जो समाज है उस पे भारत के जो स्पिरिचुअलिज्म का कितना प्रभाव है, इसमें डिस्प्यूट है, इसमें विवाद है. कोई कहता है ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कोई कहता है कम इन्फ्लुएंस है, इसमें विवाद है. The heterodox Jewish sect of the Essenes, which probably influenced early Christianity, followed monastic practices in some respects similar to those of Buddhism. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो Jewish sect है Essenes का, Essenes एक जगह है जहाँ पर जीविश संप्रदाय है, जहाँ पर यहूदी संप्रदाय है, जिन्होंने बहुत हद तक क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन धर्म को प्रभावित किया है, इनके में और भारत के जो बुद्धिज़्म में जो मोनास्टिक प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जो मठ प्रथा है, जो मठ, जो साधु संत, जो बौद्ध मठ होते हैं, जो बौद्ध संत होते हैं, इनकी जो जो क्रियाकलाप है और ये जीविश सेक्ट के जो है उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, समानताएं हैं. तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो यहूदी लोग ये बुद्धिज़्म से प्रभावित थे और बाद में ये यहूदी लोगों ने क्रिश्चियनिटी को प्रभावित किया है, मतलब क्रिश्चियनिटी में भी कुछ ना कुछ अंश बुद्धिज्म का आया है. पैरेलल्स मे बी ट्रेस्ड बिटवीन अ फ्यू पैसेजेस इन द न्यू टेस्टामेंट एंड पाली स्क्रिप्चर. अब ये जो भारत का जो पाली स्क्रिप्चर है, भारत का जो पाली जो लिपि है, पाली जो धार्मिक ग्रंथ है और इसकी जो लिपि है, इसमें और न्यू टेस्टामेंट बाइबल का एक भाग है, उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी हम देख सकते हैं. तो न्यू टेस्टामेंट के जो कुछ पैसेजेस हैं, कुछ जो अंश है, उसमें इसका प्रभाव दिखता है भारत के पाली स्क्रिप्चर का. सिमिलैरिटीज बिटवीन द टीचिंग्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर्स एंड मिस्टिक्स फ्रॉम पाइथागोरस टू प्लोटिनस एंड दोज ऑफ उपनिषद हैव फ्रिक्वेंटली बीन नोटिस्ड. और इसके अलावा जो जो पश्चिम में जो फिलोसोफर्स हैं, पश्चिम के जो मतलब पश्चिम देशों के जो फिलोसोफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, जो शिक्षा देते हैं, और जो पाइथागोरस हैं, प्लोटिनस हैं, इनके जो टीचिंग्स हैं उसमें और भारतीय उपनिषद हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो अच्छी बातें हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है. मतलब इसका मतलब उन्होंने, ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने हो ना हो ये उपनिषदों को पढ़ा होगा और ट्रांसलेशन के जरिए पढ़ा होगा, तो उनकी जो टीचिंग्स में, इसलिए उन्होंने जब ये टीचिंग्स दी तो उसमें ये उपनिषद का प्रभाव दिखता है. नन ऑफ दी सिमिलैरिटीज हाउएवर इज क्लोज इनफ टू गिव सर्टेनिटी स्पेशली एज वी हैव नो एविडेंस दैट एनी क्लासिकल राइटर्स हैड ए डीप नॉलेज ऑफ इंडियन रिलीजन. अब ये जो सिमिलैरिटीज़ है, अब राइटर कहते हैं कि सिमिलैरिटीज़ तो दिखती है भारतीय आध्यात्मवाद का, इनके में जो टीचिंग्स में दिखता है सिमिलैरिटी तो दिखती है, लेकिन हम एकदम सर्टन नहीं है, एकदम निश्चित नहीं है. स्पेशली सर्टन नहीं है क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे जो ये जो राइटर्स हैं, इन्हीं क्लासिकल हमारे जो राइटर्स हैं, हमारे जो अंग्रेज कहना चाहिए, जो पश्चिमी राइटर्स हैं, उन्होंने भारतीय धर्म का, भारतीय धर्म पुस्तकों का पूरा नॉलेज लिया हो, पूरा डीप में स्टडी किया हो, ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है. तो हम एक्चुअली में पूरी सर्टेनिटी के साथ ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा वो कह रहे हैं. We can only say that there was always some contact between the Hellenic world and India. लेकिन हम ये कह सकते हैं, हमेशा ये कह सकते हैं कि जो Hellenic world, Hellenic मतलब होता है ग्रीस को Hellenic world कहा जाता है, ग्रीस और इंडिया में काफ़ी कुछ संपर्क हुआ था. Mediated first by the Archimedes Empire के दौरान हुआ था, then by the act of the Seleucid and finally under the Romans. और जब Seleucid Empire था, साम्राज्य था, उस समय भी भारत और Hellenic world का, ग्रीस का संपर्क हुआ था. यूनान, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं यूनानी सभ्यता और भारत का बहुत हद तक संपर्क हुआ था. और अंडर द रोमन्स, और जब रोमन थे उस समय भी रोमन्स में और भारतीयों में संपर्क हुआ था. बाई द ट्रेडर्स ऑफ इंडियन ओशन, किसके जरिए हुआ था, भारतीय ट्रेडर्स के जरिए, भारतीय
व्यापारियों के जरिए, जो इंडियन ओशन के थ्रू हुआ था इसमें, कि वहाँ के जो व्यापारी है वो इंडियन ओशन के जरिए भारत आए थे, यूनान के व्यापारी और रोम के व्यापारी। क्रिश्चियनिटी बिगैन टू स्प्रेड एट द टाइम व्हेन दिस कॉन्टैक्ट वॉज क्लोजेस्ट। अब ये जो कांटेक्ट हुआ, जो भारत का संपर्क हुआ इस दुनिया से, उस समय क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, बहुत ही व्यापक रूप से फैल रही थी, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार हो रहा था। वी नो दैट इंडियंस एसेटिक्स ओकेजनली विजिटेड दी वेस्ट। हम जानते हैं कि जो भारतीय एसेटिक्स हैं, भारतीय जो कहना चाहिए जो साधु संत हैं, वो कभी कभार वेस्ट की भी यात्रा करते थे। एंड दैट देयर वॉज अ कलोनी ऑफ इंडियन मर्चेंट एट अलेक्जेंड्रिया। और अलेक्जेंड्रिया में भारतीय मर्चेंट की, भारतीय व्यापारियों की कॉलोनी भी है, उपनिवेश भी था। द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन न्यू प्लेटनिज्म एंड अर्ली क्रिश्चनिटी कैनॉट बी रूल्ड आउट। और जो भारतीय लोगों का प्रभाव है न्यू प्लेटनिज्म में, प्लेटो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो उनका जो के बाद जो जो दर्शन है वो न्यू प्लेटनिज्म का जो दर्शन है उसमें, और क्रिश्चियनिटी में भारतीय प्रभाव स्पष्ट नजर आता है, ऐसा राइटर कहते हैं। मैनी अथॉरिटीज मे डाउट दैट इंडियन थॉट हैड एनी इफेक्ट ऑन दैट ऑफ द एंशियंट वेस्ट। अब जो मैनी अथॉरिटीज हैं, बहुत सारे जो अथॉरिटीज हैं, वो बिना डाउट के कह सकते हैं कि भारतीय विचार का इन पुरानी प्राचीन वेस्ट पर प्रभाव पड़ा हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। बट देयर कैन बी नो डाउट ऑफ इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन दी थॉट ऑफ यूरोप एंड अमेरिका इन लास्ट सेंचुरी ऑफ हाफ। लेकिन भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का यूरोप में और अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। डायरेक्ट प्रभाव पड़ा हो या तो मतलब स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा हो, या फिर कहना चाहिए इनडायरेक्ट वे में भी प्रभाव पड़ा हो, लेकिन प्रभाव तो पड़ा है भारतीय विचार का, भारतीय संस्कृति का। दो दिस हैज नॉट रिसीव्ड एडेक्वेट रिकॉग्निशन। और हालांकि इस बात को लोग मानते नहीं हैं कि इसमें भारतीय संस्कृति की झलक है, भारतीय विचार का अंश है इसमें, इसको कोई क्रेडिट नहीं देते। दिस इन्फ्लुएंस हैज नॉट कम बाई वे ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यू हिंदू मिशन। द इन्फ्लुएंस हैज नॉट कम बाई द वे ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हिंदू मिशन। अब ये जो प्रभाव है हिंदू न्यू हिंदू मिशन के जरिए नहीं आया है। द लास्ट 80 ईयर्स हैव सीन द फाउंडेशन ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब ये जो लास्ट 80 ईयर्स हैं, जब राइटर लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो ये लास्ट 80 साल है, इसमें जो विदेशों में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई है, भारतीय लोगों ने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है, ऑफ वेरियस बुद्धिस्ट सोसाइटीज, और बहुत सारे बुद्धिस्ट सोसाइटी भी स्थापना की गई है विदेशों में, एंड ऑफ द सोसाइटीज इन यूरोप और अमेरिका लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन टू द सेंटली 19th सेंचुरी बंगाली मिस्टिक। और इसके अलावा यूरोप में और अमेरिका में बहुत सारे भारतीय इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं 19th सेंचुरी में, और बंगाली मिस्टिक जो रामकृष्ण परमहंस एंड टू हिज इक्वली सेंटली डिसिपल स्वामी विवेकानंद। तो ये स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स का, इन सभी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और इन मिस्टिक्स ने वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं। लेसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स हैव बीन फाउंडेड इन द वेस्ट बाई अदर इंडियन मिस्टिक्स। और कुछ छोटे मोटे और भी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाए गए हैं विदेशों में बाई इंडियन मिस्टिक, जो भारतीय मिस्टिक्स हैं, भारतीय संत हैं, और देयर डिसिपल्स और उनके अनुयायियों ने, सम ऑफ देम नोबल अर्नेस्ट एंड स्पिरिचुअल। और उनमें से जो संगठन बने हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही आदर्श और बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ हैं, बहुत ही आध्यात्मिक हैं। अदर्स ऑफ मोर डुबिशियस कैरेक्टर। और कहते हैं कि लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिनकी जो कार्य प्रणाली है वो डुबिशियस है, थोड़ी सी डाउटफुल है कि वो सही है कि नहीं है करके। जैसे इंडिया में भी हम जानते हैं फेक साधु भी होते हैं, फेक मॉन्क भी होते हैं, और अच्छे भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो उस तरह से हियर एंड देयर वेस्टर्नर्स देमसेल्व्स समटाइम्स आर्म्ड विथ ए वर्किंग नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड फर्स्ट हैंड इंडियन एक्सपीरियंस।
अब हियर एंड देयर जो कभी कभी यहाँ भी वहाँ पे हम वेस्टर्नर्स देमसेल देखते हैं कि समटाइम्स आर्म्ड विद द वर्किंग नॉलेज ऑफ संस्कृत, कहीं कहीं हम देखते हैं कि हमारे जो वेस्ट के जो लोग हैं इनको संस्कृत का नॉलेज है, बहुत सारे लोगों को संस्कृत का नॉलेज है एंड फर्स्ट हैंड इंडियन एक्सपीरियंस, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको इंडियन संस्कृति का फर्स्ट हैंड नॉलेज है, एकदम डायरेक्ट नॉलेज है, हैव ट्राई टू कन्वर्ट द वेस्ट टू स्ट्रीमलाइन योगा और वेदांता, और उन्होंने कोशिश की है कि वेस्ट के लोगों को योगा सिखाएं, वेदांत का नॉलेज सिखाएं, जो हमारे भारत जो भारतीय वेद में जो ज्ञान है उसको सिखाया जाए, क्योंकि इन लोग संस्कृत डायरेक्ट संस्कृत पढ़ के डायरेक्ट इन धर्म ग्रंथों को पढ़े हैं इंडिया के और उनको सिखाया है, ना कि ट्रांसलेशन के जरिए। कुछ लोग तो ट्रांसलेशन के जरिए पढ़े हैं भारतीय वेद को, भारतीय साहित्य को, ये धर्म ग्रंथों को, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट संस्कृत सीख के पढ़े हैं। वी वुड इन नो वे डिस्परेंग दीज टीचर्स और देयर फॉलोअर्स, मेनी ऑफ होम आर ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल कैलिबर। तो राइटर कहते हैं कि हम इन टीचर्स को, हमको इनको डिस्परेंग नहीं करना चाहिए, हमको इनको मतलब इनकी जो क्षमता है इसको कम नहीं आंकना चाहिए और इनके फॉलोअर्स की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए और इनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, जो कि जिनमें से कुछ लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जिनमें एक क्षमता रही है, बुद्धिमता रही है स्पिरिचुअलिज्म की। बट वॉट एवर वी मे थिंक ऑफ द वेस्टर्न प्रोपेगेटर्स ऑफ इंडियन मिस्टिसिज्म, लेकिन जो भी ये वेस्टर्नर प्रोपेगेटर्स, वेस्टर्नर के जो प्रभाव फैलाने वाले जो लोग रहे हैं, जो भारतीय मिस्टिसिज्म, जो भारतीय जो संस्कृति और भारतीय जो ये कहना चाहिए मिस्टिसिज्म के जो वहाँ बताने वाले हैं, फैलाने वाले हैं, वी कैन नॉट क्लेम दैट दे हैव हैड एनी ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर सिविलाइजेशन। हम ये पूरी क्लेम नहीं कर सकते कि इन मिस्टिसिज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हमारे सिविलाइजेशन में। मतलब भारतीय सिविलाइजेशन का प्रभाव कुछ हद तक तो पड़ा है, भारतीय जो स्पिरिचुअलिज्म का उन पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। मोर सबटल बट मोर पावरफुल हैज़ बीन द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म प्रभाव पड़ा है विदेशों में, एक जो बहुत ही ग्रेट मैन ऑफ इंडिया है वो है महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा है, थ्रू दी मेनी फ्रेंड्स ऑफ इंडिया इन वेस्ट, जिनके बहुत सारे फ्रेंड रहे हैं वेस्ट में, तो वो उनका संपर्क हुआ है महात्मा गांधी से और वो महात्मा गांधी के विचारों से, उनके क्रियाकलाप से प्रभावित हुए हैं, हु वेयर इम्प्रेस्ड बाय हिज बर्निंग सिंसियरिटी। जो महात्मा गांधी की जो सिंसियरिटी है, जो उनकी जो जो किसी भी काम को करने की जो क्षमता है, एनर्जी है, एंड बाय द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ हिज पॉलिसी नॉन वायलेंस इज अचीविंग इंडियाज इंडिपेंडेंस, और उन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता में पाने नॉन वायलेंस का जो सहारा लेकर जो भारतीय स्वतंत्रता में अपने जो योगदान दिया है उससे लोग कायल हैं, उसकी उस क्षमता के लोग कायल हैं, महात्मा गांधी की इस क्षमता, इस सिंसियरिटी के लोग कायल हैं वेस्ट के लोग। ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस इन्फ्लुएंसेस हाउएवर हैज़ बीन द इन्फ्लुएंस ऑफ एंशंट इंडियन रिलीजियस लिटरेचर, लेकिन ये सारे प्रभावों से सबसे ऊपर अगर कोई प्रभाव है तो वो प्रभाव है भारतीय धार्मिक लिटरेचर का, भारतीय धार्मिक साहित्य का, थ्रू फिलॉसफी दर्शन के जरिए, भारतीय दर्शन के जरिए इन फिलॉसफी का, इस साहित्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वेस्ट में। अब इसका ट्रांसलेशन हुआ है, भारतीय धर्म ग्रंथों का ट्रांसलेशन हुआ है, रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब ट्रांसलेट किए गए हैं, इनको उन्होंने पढ़ा है, इसका प्रभाव पड़ा है वेस्ट में, ऐसा वो कह रहे हैं। द पायोनियर्स ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्विकली गेन्ड अ स्मॉल बट एंथुजियास्टिक फॉलोइंग इन यूरोप। अब ये जो एशियाटिक सोसाइटी जो स्थापना की गई थी बंगाल के जरिए, बंगाल में जो जो एशियाटिक सोसाइटी के जो लोग थे, जो जिसके प्रणेता थे, जो पायोनियर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने यूरोप में बहुत ज़्यादा उनको मतलब वो है, फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग है, उनको चाहने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको अनुसरण करने वाले लोग हैं इस एशियाटिक सोसाइटी के लोगों के। एंड गेटे, ये जो स्पेलिंग है देखिए, आप देखिए GOETHE है, ये गेटे पढ़ते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये जर्मन फिलोसोफर थे गेटे।
Europe and Goethe and many other writers of the early 19th century read all they could of ancient Indian literature in translation. अब ये जो यूरोप के बहुत सारे जो राइटर्स थे, फिलोसोफर्स थे, जैसे गेटे जो जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने जितना हो सकता था, उन्होंने 19th सेंचुरी में जितना पढ़ सकते थे भारतीय उपनिषद को, भारतीय वेदों को, साहित्य को ट्रांसलेशन के जरिए उन्होंने पढ़ा है और उसे आत्मसात किया है. वी नो दैट गेटे बोरोड अ डिवाइस ऑफ इंडियन ड्रामेटर्जी फॉर प्रोलॉग टू फॉस्ट. अब कहते हैं, राइटर कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो गेटे ने अपना जो एक फेमस बुक लिखा था फॉस्ट, उनका फेमस बुक का नाम था फॉस्ट, उसमें एक प्रोलॉग है. प्रोलॉग मतलब भूमिका, जो स्टार्टिंग में जो लिखते हैं उसे प्रोलॉग कहते हैं. उसमें जो लिखा गया है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है भारतीय ड्रामेटर्जी का, भारतीय नाट्य शास्त्र का जो बहुत ज़्यादा प्रभाव है उसमें. मतलब उन्होंने यहाँ के नाट्य शास्त्र का, यहाँ के इसका अध्ययन किया होगा, उसको अपने वर्क में उसे डाला है. एंड हु कैन से दैट ट्रिम्फेंट फाइनल कोरस ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वर्क वाज नॉट इन पार्ट इंस्पायर्ड बाय द मोनिज्म ऑफ इंडियन थॉट एज ही अंडरस्टूड. अब वो कहते हैं, राइटर ये भी कहते हैं, जो आर्थर हैं वो कहते हैं कि कौन इनकार कर सकता है कि जो ये जो फर्स्ट जो लिखा है गेटे ने, इसका जो फाइनल पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें एक फिलॉसफी दी गई है, मोनिज्म की फिलॉसफी दी गई है. मतलब अद्वैतवाद की जो फिलॉसफी है वो भारतीय विचार से प्रभावित नहीं है. मतलब जो अद्वैतवाद है, जो मोनिज्म की जो फिलॉसफी है, वो भारत की ही है. अभी मोनिज्म क्या होता है? अद्वैतवाद मोनिज्म होता है. अद्वैतवाद कहता है कि एक ही परम तत्व है, एक ही परम ईश्वर है, और जिसके जितने भी जीव हैं, आत्माएं हैं, सोल हैं, वो वास्तव में उसी की प्रतियां मात्र हैं. एक ईश्वरवाद का ये सिद्धांत है. तो ये मोनिज्म का जो सिद्धांत है ये भारत का है, और इस भारत सिद्धांत से प्रभावित हुए हैं गेटे, और इसका उन्होंने अपने वर्क में यूज़ किया है. फ्रॉम गेटेस ऑनवर्ड्स मोस्ट ऑफ द ग्रेट जर्मन फिलोसफर्स न्यू समथिंग ऑफ इंडियन फिलोसफी. अब ये गेटे से शुरुआत तो गेटे से हुई, लेकिन बहुत सारे जो जर्मन फिलोसफर्स हैं, अदर जर्मन फिलोसफर्स हैं, उन्होंने भी भारतीय फिलोसफी का अध्ययन किया, भारतीय दर्शन का अध्ययन किया और उसे अपने साहित्य में यूज किया. शोपेनहावर हुज इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर एंड साइकोलॉजी हैज बीन सो कंसिडरेबल. अब एक शोपेनहावर नाम के जो राइटर थे, उनका जो लिटरेचर में जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, और साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो क्या बोलते हैं साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी में जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है. मनोचिकित्सा, मनोचिकित्सा में जो इन्फ्लुएंस है, ये शोपेनहावर का साहित्य में जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा है, और वो कहीं ना कहीं ये भारतीय दर्शन से ये प्रभावित रहे हैं. शोपेनहावर इंडीड ओपनली एडमिटेड हिज डेप्थ एंड हिज आउटलुक वाज वर्चुअली दैट ऑफ बुद्धिस्ट. ये ओपनली एडमिट करते हैं कि मेरा जो प्रभाव है, मेरे ऊपर जो प्रभाव है, वो बुद्धिज्म का प्रभाव है. मेरा जो आउटलुक है, मेरी जो मानसिकता है, वो बुद्धिज्म की मानसिकता है. ये ओपनली एडमिट करते हैं, और ये शोपेनहावर ने प्रभावित किया है लिटरेचर को और साइकोलॉजी को. मोनिज्म ऑफ फिचे एंड हेगल माइट नेवर हैव टेकन द फॉर्म दे डिड इफ इट हैड नॉट बीन फॉर द एंटीक्वेरियन ड्रॉपरन ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद एंड द वर्क ऑफ अदर पायोनियर्स आइडियोलॉजिस्ट. अब ये जो बड़े बड़े जो राइटर रहे हैं, फिशे और हेगल, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ट्रांसलेशन के जरिए भारतीय मोनिज्म को पढ़ा है, भारतीय अद्वैतवाद को, उपनिषद के जो में जो अद्वैतवाद है, ये सभी चीज़ों को ट्रांसलेशन के जरिए पढ़ा है. और ट्रांसलेशन किसने किया था, ये बहुत ही कठिन नाम है, एंक्वेटिल डोपेरोन ने ट्रांसलेशन किया था उपनिषद का. तो इन्होंने इस उपनिषद के ट्रांसलेशन को पढ़ा है और अपने साहित्य में यूज किया है, स्पेशली मोनिज्म के सिद्धांत का, अद्वैतवाद के सिद्धांत का. इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन इन्फ्लुएंस वॉज फेल्ट इन अमेरिका. अब जो इंग्लिश बोलने वाला जो दुनिया है, इंग्लिश बोलने वाली जो दुनिया है, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन इन्फ्लुएंस वॉज फेल्ट इन अमेरिका. जैसे कि अमेरिका है, उसमें जो भारतीय इन्फ्लुएंस है, भारतीय कल्चर का, भारतीय संस्कृति का जो इन्फ्लुएंस है, वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में है. और ये हम जानते हैं, वेयर इमर्शन, थॉरियो, ये बड़े बड़े ग्रेट राइटर्स हैं, अमेरिकन राइटर्स हैं,
इमर्शन, थोरियो एंड अदर न्यू इंग्लैंड राइटर्स. और न्यू इंग्लैंड जो अमेरिका का एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है न्यू इंग्लैंड, तो इस क्षेत्र में जो राइटर हैं, जैसे स्पेशली इस क्षेत्र को बिलोंग करने वाले राइटर हैं, इमर्शन है, थोरियो हैं, इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है भारतीय संस्कृति का, भारतीय फिलोसफी का. ए विडली स्टडीड मच इंडियन रिलीजियस लिटरेचर इन ट्रांसलेशन. इन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का, भारतीय साहित्य का, रिलीजियस लिटरेचर को बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है ट्रांसलेशन के जरिए. एंड एग्जर्टेड इमेंस इन्फ्लुएंस ऑन देयर कंटेम्परीज एंड सक्सेसर्स. और उन्होंने अपने इस प्रभाव का बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है अपने कंटेम्परीज को, अपने समकालीन लोगों को और अपने आने वाले लोगों को. मतलब पहले ये भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए साहित्य से, और फिर उन्होंने वो जो अपने अपने जो साहित्य को लिखा, और इनके साहित्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उनके फॉलोअर्स में, उनके समकालीन में. मतलब अल्टीमेटली कह सकते हैं कि सारे के सारे लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य से प्रभावित हैं. नोटेबली वॉल्ट व्हिटमैन. और वॉल्ट व्हिटमैन बहुत ही ग्रेट राइटर हैं अमेरिका के, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं ये भारतीय संस्कृति से, भारतीय दर्शन से. थ्रू कार्लाइल एंड अदर्स द जर्मन फिलोसोफर इन देयर टर्न मेड देयर मार्क ऑन इंग्लैंड. और अब इंग्लैंड में कैसे प्रभाव पड़ा, इंग्लैंड भी तो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है, तो इस पे प्रभाव पड़ा है कार्लाइल. कार्लाइल भी बहुत बड़े राइटर थे, तो इन्होंने जर्मन फिलोसोफर के जो जो दर्शन को पढ़ा है. कार्लाइल ने डायरेक्टली नहीं पढ़ के, उन्होंने जर्मन फिलोसोफर को पढ़ा है, और जर्मन फिलोसोफर ने इंडिया के फिलोसफी के बारे में लिखा है, तो इसके जरिए कहना चाहिए इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ा इंग्लैंड में भारतीय संस्कृति का. एज डिड द अमेरिकन थ्रू मेनी लेट 19th सेंचुरी सच एज रिचर्ड जेफरी और एडवर्ड कारपेंटर. और उसी तरह से ही अमेरिका में प्रभाव पड़ा है 19th सेंचुरी में इन राइटर्स के जरिए, रिचर्ड जेफरी और एडवर्ड कारपेंटर के जरिए. तो बेसिकली क्या होता है, जो राइटर्स ही तो संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, वो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, और अपने अध्ययन के जरिए, अपने साहित्य के जरिए सारे लोगों में संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं. दो इन कंटेम्परी फिलोसफिकल स्कूल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका द मोनिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक फिलोसफी ऑफ द लेट सेंचुरी कैरी लिटिल वेट. लेकिन अब आर्थर जी कहते हैं कि जो कंटेम्परी फिलोसफिकल स्कूल है यूरोप में, जो अभी जो समकालीन जो दार्शनिक स्कूल है, जो दार्शनिक स्कूल मतलब जो एक तरह से दार्शनिक जो विचारधारा जो चल रही है, ट्रेंड है, और अमेरिका में चल रहा है जो मोनास्टिक और आइडियलिस्टिक फिलोसफी जो चल रहा है, वो भारतीय एकाध्यात्म को, एकाध जो अद्वैतवाद को ज़्यादा महत्व नहीं देती है. देयर इन्फ्लुएंस हैज़ बीन कंसिडरेबल एंड ऑल ऑफ देम ओ समथिंग एटलीस्ट टू एंशंट इंडिया. अब ये ज़्यादा क्रेडिट तो देते नहीं हैं, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसमें भारतीय एंशंट प्राचीन भारत का जो इन्फ्लुएंस है, इसे नकारा नहीं जा सकता, भले ही क्रेडिट दे या ना दे. द सेजेस हु मेडिटेटेड इन जंगल्स ऑफ गंगा वैली 600 ईयर्स और मोर बिफोर क्राइस्ट आर स्टिल फोर्सेस इन वर्ल्ड. अभी जो जो बुक जो लिखी है द वंडर दैट वाज इंडिया, ये जो बुक बहुत ही पॉपुलर हुई थी वेस्ट में, यूरोप में ये बहुत ही पॉपुलर बुक है. अब ये कहते हैं, राइटर कहते हैं पाशम जी, कि द सेजेस हु मेडिटेटेड इन जंगल, जो जो सेजेस जो साधु संत जिन्होंने गंगा घाटी के जंगलों में जिन्होंने तपस्या की है 600 ईयर पहले, 600 साल पहले जिन्होंने तपस्या, 6000 साल पहले जो उन्होंने तपस्या की है, और मोर बिफोर क्राइस्ट, और जब क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ तो उसके पहले जो तपस्या की है, वो अभी भी उसका जो प्रभाव है भारत के, पूरे भारत का जो प्रभाव है पूरे वेस्ट में, पूरे वर्ल्ड में है. तो इनकी जो तपस्या है व्यर्थ में नहीं गई है, इनकी जो तपस्या का प्रभाव पूरे वर्ल्ड को मिला है, और बहुत ही पॉजिटिव वे में मिला है. इट इज़ टूडे समथिंग ऑफ एनक्रोनिज्म टू स्पीक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन. अब वो राइटर कहते हैं ये एनक्रोनिज्म हो जाएगा, ये मतलब सही काल का बिठाना नहीं होगा अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें, क्योंकि दोनों में बहुत काफ़ी अंतर है. अनटिल वेरी रिसेंटली कल्चर्स वेयर शार्पली डिवाइडेड. और अभी तक तो ऐसा था कि जो कल्चर्स थे, जो संस्कृतियाँ थे, बहुत ज़्यादा
तीक्ष्ण रूप से डिवाइडेड थी, ये संस्कृति ये है, ये है, अलग अलग, मतलब एकदम वाटर बाउंड्रीज था, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर था, वेस्टर्न कल्चर में, इंडियन कल्चर में और हर तरह के कल्चर में. बट नाउ व्हेन इंडिया इज़ बट अ 30 आवर्स जर्नी, लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो भारत की जो यात्रा है मात्र प्लेन के जरिए 30 आवर जर्नी, 30 घंटे की यात्रा है फ्रॉम लंडन. लंडन से भारत आने में लगता है 30 घंटे. कल्चर डिविजन्स आर बिगनिंग टू डिसअपियर, तो ये जो सांस्कृतिक जो डिविजन है, सांस्कृतिक जो विभेद हैं, वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं. इफ़ ए मोडस वेपरेंडी इज रीच्ड बिटवीन लिबरल डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म, और ये जो मोडस विवेंडी है इज रीच्ड बिटवीन लिबरल डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म. एंड अब ये जो एक, अगर ये जो एक कहना चाहिए दोनों के दोनों मिल जाए, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म का आपस में मेल हो जाए, इन सिविलाइजेशन सर्वाइव, और ये सभ्यता अगर सर्वाइव कर पाए, जो सभ्यता चली आ रही है, जो दुनिया की सभ्यता चल रही है, सर्वाइव चले चले, तो वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर विल हैव ए सिंगल कल्चर विद, तो आने वाले समय में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा कि एक सिंगल कल्चर चलेगा, सिंगल सभ्यता चलेगी, इट इज़ टू बी होप्ड, और ऐसे आशा की जा सकती है कि मैनी लोकल डिफरेंसेस एंड वेरिएशंस इंडियाज कंट्री, जो लोकल्स जो वेरिएशंस हैं, जो अलग अलग जो क्षेत्रों की जो विशेषताएं हैं वो रहें, बरकरार रहें, लेकिन एक वैश्विक संस्कृति का उद्भव हो, एक ग्लोबल संस्कृति का उद्भव हो, जो संस्कृति सभी की, पूरे विश्व की संस्कृति हो, जिसमें सभी की अच्छी अच्छी बातें हों, जिसमें लोकल डिफरेंसेस तो हो लेकिन एक वैश्विक संस्कृति हो. इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड कल्चरल स्टॉक, और इसमें जो भारतीय संस्कृति का, भारतीय कल्चर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, कहना चाहिए उसका योगदान होगा, हैज़ ऑलरेडी बीन वेरी लार्ज, अभी से बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा, एंड इट विल कंटिन्यू एंड ग्रो इज हर प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस इंक्रीज, और भारतीय संस्कृति का, भारतीय साहित्य का जो योगदान है पहले से रहा है, आगे भी रहेगा और ये बढ़ता ही जाएगा, और इसकी जो प्रेस्टीज है, इसकी जो महत्व है वो बढ़ते ही जाएगी, इसका जो प्रभाव है बढ़ता ही जाएगा. फॉर दिस रीजन इफ फॉर नो अदर वी मस्ट टेक अकाउंट ऑफ हर एंशियंट हेरिटेज इन इट्स सक्सेस और इट्स फेलियर. सो इस रीजन के लिए, इस कारण से हमको क्या करना चाहिए, कह रहे हैं जो राइटर हैं, कि हमको जो इसकी जो पुरानी विरासत है, प्राचीन विरासत है, इसमें जो फेलियर्स हुए हैं, इसमें जो इसके जो फेलियर्स हैं, इसकी असफलताएं हैं, इसकी जो सक्सेसेस हैं, इसकी जो सफलताएं, इनको हमको समझना चाहिए, इनको हमको याद रखना चाहिए, और इनको ध्यान में रखते हुए फॉर इट इज़ नो अदर लॉन्गर दी हेरिटेज ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक विरासत है वो सिर्फ भारत की नहीं है, बट ऑफ ऑल मैनकाइंड, पूरी मानव जाति की ये विरासत है. हम ये नहीं कह सकते कि ये विरासत है सिर्फ भारत की विरासत है, ये पूरे वर्ल्ड की विरासत है. भारत ने जो जो ये चीज़ दी है, जो योगदान दिया है, वो बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है, और इस विरासत को, इस वो योगदान को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो योगदान है वो सिर्फ भारत का ना होकर पूरी मानव जाति का है, और ये बहुत ही अच्छा योगदान है. सो थैंक यू सो मच patiently hearing me. Thank you so much.